आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करना सेफ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड की मदद से कैसे आप बहुत जल्दी 10 लाख रुपए कमा सकते हो। केवल और केवल अपनी डेली हैबिट में आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना डालना है और उससे आप सभी लोग जो है 10 लाख रुपए, मैं छोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख रुपीज, बड़े आसानी से। कुछ नहीं करना, कोई मैं फालतू के नंबर्स आपको नहीं बोलने वाला हूं, एक ऐसा नंबर आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेते हो ना, तो मैं डेफिनेटली श्योर से कह सकता हूं कि जो 10 लाख रुपए का नंबर मैंने आपको बताया ना, उस नंबर तक आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हो। और कंडीशन क्या है भैया, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक एक चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी करी है, मैं खुद पर्सनली इस मेथड को 4 साल से फॉलो कर रहा हूं और यहां पर प्रॉपर वे में पूरी चीजें यूटिलाइज कर चुका हूं, उसके बाद आप तक इसे शेयर कर रहा हूं। अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपको लगता है वीडियो में मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ मुझे भूल गया हूं या मैंने कुछ गलती करी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहां पे बात करते हैं, देखो क्रेडिट कार्ड यूज करने में हम 2 सेक्शन लेके चलते हैं, एक स्मार्ट यूजर, एक नॉर्मल यूजर। मैं 2 कैटेगरी लेके चल रहा हूं, दोनों कैटेगरी में आप जो है 10 लाख रुपए बड़े आसानी से कमा पाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। अब देखो 10 लाख रुपए कमाना के लिए है ना, कुछ नहीं करना आपको, अपनी जेब से 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, एक नॉर्मल यूजर, मैं ऐसी बात करने वाला हूं जो कि आम इंसान की बात करने वाला हूं, कोई हवा में बात नहीं करने वाला हूं, कोई बहुत बड़े बड़े नंबर आपको नहीं बता रहा हूं, मैं 1-2 करोड़ 5 करोड़ की नहीं बात कर रहा हूं, केवल 10 लाख रुपए का नंबर। अब ये 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, क्या करना है, कौन सी कैलकुलेशन है, भैया मैंने कौन सा क्या उखाड़ लिया, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, इस वीडियो पे लाइक में रखते हैं, बहुत बड़ा लाइक में रखता हूं इस वीडियो पे, 5000 लाइक, बहुत लंबा लाइक लिया है और मुझे लगता है हो जाएंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे हो चुका है, शुरुआत करते हैं। देखो अब इसको कमाने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। एक सिंपल, अगर आपके पास केवल एक क्रेडिट कार्ड है ना, तो भैया उससे आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, आपको चाहिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपके पास होने चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा, और कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या मैंने कैलकुलेशन लगाई है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारी जो है अपना होमवर्क जो है वो इस डायरी के अंदर मेंशन कर लिया है, अब आपके साथ 1 बाय 1 सारी चीजें शेयर करता हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ अलग अलग कैटेगरीज रखी है। सबसे पहले कैटेगरी रखी है यूटिलिटी बिल पेमेंट। अब देखो यूटिलिटी बिल पेमेंट हमारे घर में जिस भी फैमिली में आप रहते हो उसमें होने ही है, होने हैं। अब यूटिलिटी बिल पेमेंट में क्या क्या आ जाता है, अब देखो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आ जाता है, ठीक है, गैस का बिल पेमेंट आ जाता है, वाटर बिल पेमेंट आ जाता है, इसके अलावा मोबाइल। अब मैंने जो इसके आगे नंबर लिखे है ना, बहुत छोटे छोटे से नंबर लिखे जो कि मेरे हिसाब से हर एक घर में इतना खर्चा तो होता ही होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा वाला नंबर बिल्कुल आपके घर में एग्जैक्ट मैच होता है, या कौन सा खर्चा आपके घर में जो मैंने बताया उससे अलग खर्च होता है। मैं लेके चलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर एक घर में लगभग 3000 रुपए का बिल होता है, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत अपर में भी नहीं गया हूँ, बहुत बिल्कुल लोअर में भी नहीं गया हूँ, एक एवरेज सा अगर फैमिली मेंबर है, फैमिली है आपकी, तो भैया आप 3000 रुपए बिजली का बिल हर महीने पे करते हो, राइट, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं गैस। अब यहाँ पे गैस जो है वो लगभग 1500 के आसपास की गैस सिलेंडर आता है जो अपन घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो भैया वो भी 1500 का ऑलमोस्ट हर महीने खर्च होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वाटर, 500 रुपए तो एटलीस्ट सबके घर में पानी का बिल आता ही आता है। इसके अलावा चलते हैं मोबाइल रिचार्ज। अब घर में हर किसी के घर में 2 फोन तो एटलीस्ट होते हैं जिनपे आप 400-500 रुपए मंथली का भी आप रिचार्ज लेके चलो तो 1000 रुपए आपका ये मोबाइल रिचार्ज होता है। अब यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट में मैंने सारी कैटेगरी आपको बता दी, इस पे 6000 रुपए यानी कि 3000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी, 1500 गैस, 500 वाटर बिल और 1000 मोबाइल। अब यहां पर देखेंगे ना तो आप सभी लोग जो है ये हमेशा हर महीने हमारे घर में ये खर्चा होना है। अब आप बोलेंगे भैया 10 लाख की बात कर रहे थे तो ये खर्चा कैसे क्या करना है, अभी भैया वीडियो खत्म नहीं होगा, वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा तभी आपको सारे नंबर समझ में आएंगे। अब यहां पर हर महीने 6000 रुपए खर्च होने वाले हैं। अब यहां पर जो 6000 रुपए खर्च होने वाले हैं, अगर आपके पास गूगल पे का जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है वो अगर आपके पास है और जीपे से अगर आप ये सारे ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो आपको 5% का फ्लैट आपको कैशबैक मिलेगा। अब 5% में लेता हूं स्मार्ट यूजर की तरफ में, और अगर आप नॉर्मल से भी यूजर हो जो अमेजन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड है या और कोई सा क्रेडिट कार्ड है जहां पे यूटिलिटी बिल पेमेंट पे आपको 2% तो मिलता ही मिलता है, तो
तो अगर आप स्मार्ट यूजर हो तो आपको 300 रुपए महीने का मिल जाएगा, नॉर्मल यूजर हो तो आपको 120 रुपए हर महीने यहां से बच गए। कैलकुलेशन पूरी लास्ट तक जाएगी, इसके मत करना, वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैंने इस पर बहुत काम किया है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा। यूटिलिटी कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद चलते ग्रोसरी। हर महीने हमारे घर में राशन आना ही आना है, दाल चावल आटा तेल हर एक के घर में आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास में कोई ना कोई सा रिलायंस फ्रेश या कोई बिग बाजार या कोई सा भी मॉल होता है जहां पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो अगर ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाकर के आप परचेज करते हो तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं या कुछ ना कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 4-5% के आसपास आपको कैशबैक देते हैं। तो भैया यहां पर मैं ले लेता हूं 4%, अगर स्मार्ट यूजर है तो 4% ले लो, तो यानी कि 5000 का 4% लगाओगे तो 200 रुपए हो चुका है। और अगर एक नॉर्मल सा यूजर है और 2% भी उसके कार्ड पर मिलता है तो 100 रुपए वहां पे बेनिफिट हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, कुछ नहीं, नथिंग। ये खर्चा आप कैश में करने वाले थे, क्रेडिट कार्ड से करने वाले, यूपीआई से करने वाले थे या आपके डेबिट कार्ड से करने वाले थे, खर्चा तो आपका होने ही वाला था। अब हमने ये क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया तो हमें यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में अभी खत्म नहीं हुई है मेरी पूरी एकदम लिस्ट लेके आया हूं लंबा चौड़ा, यहां पर हम चलते हैं इसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग। अब यार देखो, हर घर में कभी आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लेना पड़ सकता है, कभी ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ लेना पड़ सकता है, कभी हस्बैंड वाइफ को कुछ लेना पड़ सकता है। एक एवरेज सा भी लेके चलो, एक नॉर्मल सी शॉपिंग, तो 5000 रुपए की शॉपिंग करीब करीब कुछ ना कुछ कभी कुछ हो सकता है। कि अगर आपने इस महीने कुछ शॉपिंग नहीं करी हो तो 6 महीने में हो सकता है आपने वॉशिंग मशीन ले लिया हो, कूलर ले लिया हो, फ्रिज ले लिया हो, कुछ भी ले लो, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 5000 रुपए, यानी कि साल के केवल और केवल 60000 रुपए तो खर्च करोगे आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ परचेज करने में। मोबाइल खरीदोगे यार, एटलीस्ट कुछ भी खरीदोगे। तो अगर आपके पास अमेजन से शॉपिंग करते हो, अमेजन का आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड है तो 5% आपको पूरा पूरा कैशबैक मिलेगा। और यहां पर अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भैया यहां पर भी आपको 5% मिलेगा। तो स्मार्ट तरीके से यूज करना है कि कहां पे कौन सा क्रेडिट कार्ड से क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप महीने का, मैं महीने की कैलकुलेशन दे रहा हूं, यहां पे 5000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो 250 रुपए आपको ये बच जाते हैं क्रेडिट कार्ड के यूज करने से, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भैया फ्यूल। अब आपके पास 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, कोई सी भी गाड़ी होगी भैया, एक नॉर्मल से परिवार में सबके पास 2-व्हीलर तो एटलीस्ट होता ही होता है और कहीं ना कहीं हमें जाना ही पड़ता रहता है, कभी कहां कभी कहां। ऑफिस रूटीन में लेके चलोगे तो मिनिमम से मिनिमम 2000 रुपए का पेट्रोल हर महीने, किसी एक लोअर से लोअर बंदे का भी 2000 रुपए का। मैं कोई बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं, ऐसे नंबर नहीं बता रहा हूँ कि बस कैलकुलेशन बताने के लिए कुछ भी बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा 10 लाख की कैलकुलेशन मैंने कैसे लगाई है। तो वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, यहां तक आपने वीडियो देख ही लिया तो लाइक कर देना, अभी तक आपने नहीं किया तो, ठीक है। अभी चलते हैं यहां पर हम फ्यूल कैटेगरी। अब फ्यूल कैटेगरी में आप 2000 रुपए भी लेके चलते हो तो यहां पर अगर आप जो है आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होता है फ्यूल कैटेगरी में तो आप यहां पर लेके चल लो 4%। जैसे मेरे पास SBI का जो है ना BPSL क्रेडिट कार्ड है, वहां पर लगभग 4% का कैशबैक मिल जाता है। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बेस्ट लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहां पर आप 2000 रुपए का 4% लगाओगे, 80 रुपए हो गया। और नॉर्मल सा भी किसी दूसरे बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है ना तो 3% फ्यूल पे मिल जाता है, अगर आपने फ्यूल के लिए ही पर्टिकुलर कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो यहां पर आपको मिल जाएंगे 60 रुपए, अगर नॉर्मल हो तो, और स्मार्ट हो तो 80 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं यहां पर अदर स्पेंड्स कैटेगरी। अब अदर स्पेंड्स कैटेगरी क्या होती है, कहीं पे हम बाजार में गए, किसी भी चीज का कुछ भी पेमेंट करना है, अगर वहां पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है तो भैया हर एक घर में मिनिमम से मिनिमम आप अदर स्पेंड्स पे 10000 रुपए हर महीने खर्च हो जाते हैं। कभी मान लो कि हॉस्पिटल का कुछ बिल देना है या कभी है ना आपको किसी जगह पे जाके कुछ किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट ले लो आप, ठीक है। कभी मान लो आप किसी दुकान पे गए हो, कपड़े दिलाने के लिए गए हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहते, इस बार कपड़े दिलाने गए हो आप किसी शॉप पे, वहां पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, वहां जाके अदर स्पेंड्स ले रहा हूं मैं तो यहाँ पे, तो अदर स्पेंड्स में 10000 रुपए एक नॉर्मल फैमिली में खर्च होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 10000 रुपए यदि आप अदर स्पेंड्स कैटेगरी में भी खर्च करते हो तो सारे क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में जितने भी क्रेडिट कार्ड है अदर कैटेगरी में वहां पर आपको 1% तो मिनिमम से मिनिमम मिलता है। यहां पर भी आपके पास अगर एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड है तो 1.5% मिलता है, लेकिन मैं 1% लगा लेता हूं तो 100 रुपए वहां पर कमा लिए। अब आप बोलोगे भैया ये चिल्लर चिल्लर इकट्ठे करके 10 लाख कब होंगे वो तो बता दो आप, तो भैया अभी बता रहा हूं आपको, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा ना, ऐसा फॉर्मूला निकाला है ना, यहां से आप छोटा सा अमाउंट डालोगे वहां से आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये मैं खुद की पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब यहां पर देखो सारी कैलकुलेशन आपको बताई मैंने, यूटिलिटी बिल पेमेंट में मंथ एंड में कितने रुपए खर्च किए 6000 रुपए, और ग्रोसरी पे मैंने कितने खर्च किए 5000 रुपए,
उसके अलावा मैंने जो है ग्रोसरी के बाद में ऑनलाइन शॉपिंग पे मैंने कितने खर्च किए, 5,000 रुपए। मैंने सारी कैलकुलेशन इसमें लगा रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ये चीजें रट के बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि भैया मैंने अपना होमवर्क किया, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग पे 5,000 रुपए हुए, फ्यूल पे 2,000 रुपए हुए और अदर स्पेंड्स पे 10,000 रुपए गए। तो केवल और केवल 28,000 रुपए मैंने हर महीने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना है। कैटेगरी कहाँ पे कैसे क्या खर्च करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। केवल 28,000 रुपए स्पेंड करने से आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो, 10 लाख रुपए जो खर्चा आप करने ही वाले थे। अब ये जो 28,000 का नंबर है ना, हो मैं इसमें भी थोड़ा सा वेरी कर देता हूँ यहीं पे आपके साथ में, ताकि बाद में लोगों को डाउट नहीं है। हो सकता है किसी फैमिली में ये जो खर्चा है वो 28 के बजाय 20,000 रुपए के आसपास आ जाएगा, 25,000 के आसपास आ जाएगा। किसी फैमिली में हो सकता है 2,000-5,000 रुपए के आसपास का खर्चा हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा, जो जो सारी कैटेगरी मैंने बताई है ना, आपको क्या लगता है आपका खर्चा कितने रुपए का। मेरे घर का जो खर्चा है ना वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 28,000 रुपए मैंने एक लमसम सा नंबर लिया है। 28,000 रुपए मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता हूं और उससे मैं 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं, जिसमें से 4 साल मुझे यूज करते हुए हो चुका है। अब बात करते हैं क्या 10 लाख रुपए की मैंने कैलकुलेशन लगाई। देखो यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट पे स्मार्ट यूजर इधर की तरफ है और नॉर्मल यूजर जो है इधर की तरफ। यूटिलिटी बिल पेमेंट पे मैंने कितने रुपए कमाए, यहाँ पर केवल और केवल 300 रुपए अगर आप स्मार्ट यूजर हो। नॉर्मल हो तो 120 रुपए। ग्रोसरी पे 200 रुपए कमाए स्मार्ट ने, नॉर्मल यूजर ने 100 रुपए कमाए। ऑनलाइन स्पेंड्स पे 250 रुपए कमाए स्मार्ट ने भी और नॉर्मल ने भी। फ्यूल पे 80 रुपए कमाए, 60 रुपए कमाए और यहाँ पे अदर स्पेंड्स पे 100 रुपए कमाए इसने भी और 100 रुपए कमाए इसने भी। और यहाँ पर एक और चीज, आप जो 28,000 रुपए है ना, यदि आप अपने बैंक से किसी भी तरीके से डेबिट कार्ड से या यूपीआई से पे करते, ठीक है, तो वो बैंक में आपको पे करने ही पड़ते हैं, आपके बैंक से पैसा जाना ही वाला था। अब पैसा गया आपके क्रेडिट कार्ड से, यहां पर आपको 45 दिन का क्रेडिट फ्री मिल जाता है। लेकिन मैं 45 नहीं ले रहा हूं, इसको केवल और केवल 30 दिन लेके चल रहा हूं। अब 30 दिन तक आपका ये पैसा बैंक में पड़ा हुआ है ना, तो 30 दिन का साल के हिसाब से क्रेडिट लगा लो, फिर दिन का निकालो, तो 30 दिन का 28,000 रुपए पे जो ब्याज होता है ना, लगभग 3-4% के आसपास का ब्याज हर सेविंग अकाउंट में हर बैंक देता है, जो कि लगभग जो है 28,000 रुपए का, ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 रुपए, लेकिन मैं 100 रुपए राउंड फिगर में लेके चलता हूं, 100 रुपए आपको बैंक देगा हर महीने, क्योंकि आपका पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ ही है। यहां पर आप जो सारे पैसे खर्च कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हो, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को कब देना है, 40-45 दिन बाद। तो 30 दिन जो आपका पैसा वहां पड़ा हुआ है ना, उससे भी आपको 100 रुपए हर महीने आने वाला है। अब यहां पर मैंने सारों की टोटल लगाई ना, तो जो स्मार्ट यूजर है उसका टोटल बन रहा है 1,030 रुपए। 1,030 रुपए हर महीने केवल और केवल अपना जो यूज है उसको क्रेडिट कार्ड से मेंटेन कर रहा है, वो भी जहां पे जिस कैटेगरी में जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहिए उस कैटेगरी से पेमेंट वहां पे कर रहा है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल यूजर है ना वो कमा रहा है भैया यहाँ पे 730 रुपए। तो 730 वाले को मैं 700 ले लेता हूं और यहाँ पे जो स्मार्ट वाला है उसको 1,000 रुपए। यानी कि दो बंदे हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड लिए। एक बंदा मैं हूं जिसने तो जिस कैटेगरी में जो क्रेडिट कार्ड चाहिए वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, तो मैंने 1,000 रुपए महीने के बचा लिए। एक बंदा ऐसा है जिसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया लेकिन क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, जिसने 700 रुपए बचा लिए। अब दोनों ने 700 रुपए और 1,000 रुपए से अब बोलोगे 10 लाख रुपए कैसे हो जाएंगे। तो भैया हमेशा कंपाउंडिंग की पावर देखनी है ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कंपाउंडिंग की पावर। अब यहां पर जो 10 लाख रुपए कमाना है ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। हर महीने आप 1,000 रुपए स्मार्ट यूजर कमा रहा है और नॉर्मल यूजर जो है वो 700 रुपए कमा रहा है। अब जो यहाँ पे मैं देखो आपके सामने सारी चीजें लगा दूंगा ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ सके। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पर जो है SIP स्टार्ट कर दो। SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो ग्रो एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं खुद पर्सनली इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मेरी खुद की SIP जो है ग्रो एप्लीकेशन से होती है। अगर आप SIP करने में इंटरेस्टेड हो, ग्रो में अपना अकाउंट खोलना चाहते हो, तो उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अब देखो SIP कैलकुलेटर में चलता हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिख जाएगा आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके लिए लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अमाउंट डाला कितने रुपए, केवल और केवल 1,000 रुपए मंथली जो मेरा खर्चा होने वाला था, बट क्रेडिट कार्ड से मेरे को बचना स्टार्ट हो चुका है हर महीने। तो मैंने इस, और आप कोई सा भी अगर निफ्टी 50 में भी डालोगे ना, तो आपको यहां पे 12% के आसपास जो है मिल ही जाता है एक अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर अगर आप इसको SIP को जो है केवल और केवल 20 साल, अब मेरे चैनल पे जो बहुत सारी ऑडियंस है वो 25 साल के आसपास की ऑडियंस है, आप 20 साल इस प्रोसेस को फॉलो कर लो। अमाउंट आपके सामने है, यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ यहां पर शेयर कर दी है। 10 लाख रुपए कुछ नहीं करना,
इसीलिए बोलते हैं पैसे वाले होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वो पैसे को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता, और जिसके पास थोड़े से पैसे हैं और उसने दिमाग लगा लिया तो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये तो 1000 रुपए वाले बंदे की बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा बंदा, जो कि नॉर्मल सा बंदा है, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड की आदत उसने ले ली है, और यहाँ पर जो है 700 रुपए महीने का केवल और केवल, देखो मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने सेम टू सेम है। अब यहाँ पर ऊपर जो अमाउंट है ना, 1000 की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया 700, ठीक है, और ईयर जो है मैंने 20 की जगह पे इसको डाल दिया 23। अब जैसे ही मैंने 23 डाली, यहां पर आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, मेरा जो अमाउंट हो गया वो 10,31,000 रुपए हो चुका। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मजे की, मैंने केवल और केवल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया, मतलब मेरे हर महीने जो जमा करता गया उससे पैसे तो मेरे कितने से हुए, केवल और केवल जमा 1,93,000 रुपए 700 रुपए वाले बंदे के, और बदले में मुझे कितना रिटर्न मिल गया, 8,37,000, टोटल मुझे मिल जाएगा 10,31,000 रुपए। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1000 वाले बंदे की, और वो जमा करता है केवल और केवल 20 साल के लिए, तो भैया वो जमा कर रहा है 2,40,000 रुपए और इंटरेस्ट मिलेगा उससे 7,49,148। तो ऐसे मिला के 10,00,000 रुपए आप जो है 20 साल की कैलकुलेशन यदि लगा लेते हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे समझा दी, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी सेविंग स्टार्ट करें, और सेविंग के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं से पैसे बचाओ, जो खर्च कर रहे हो उसको खर्च करने का जो तरीका है ना वो सीख लो। मेरे हिसाब से जो नंबर्स, जो तरीका, जो फिगर, आई नो कहना बहुत बड़ी आसान होता है और नंबर्स दिखाना बहुत बड़ा आसान होता है कि मैं SIB कैलकुलेटर में गया और फटाफट से आपको दिखा दे कि 10,00,000 रुपए कैसे बनेंगे हर महीने हर महीने हर महीने। देखो यार, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे ना, फाइनेंशियली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसे को यदि खर्च करना आपने संभाल लिया, या मतलब पैसे को खर्च करना यदि सीख लिया ना, तो भैया पैसे की कभी दिक्कत आपको नहीं। उम्मीद करता हूं वीडियो में जो सारी जानकारी दी है जरूर से आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, हमारे चैनल पे यदि नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ग्रो एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे।